उत्साह है कि सीट जीतेंगे, कांग्रेस का हाथ मजबूत होगा, इसीलिए और जोर शोर से सुरक्षा में लगे हुए हैं सब। जमशेदपुर वर्कर्स कॉलेज में जिला विधिक अधिकार द्वारा व्याख्यान माला का आयोजन किया गया। जिला विधिक सेवा अधिकार महाविद्यालयों में छात्रों के लिए व्याख्यान माला का आयोजन किया जाता है ताकि छात्रों को वकालत की जानकारी हो और इस तरफ उनका रुझान भी बढ़े। जमशेदपुर वर्कर्स कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम में विधिक सेवा से जुड़े मसलों को विस्तार से बताया गया। दूसरों के लिए भी उतने ही आवश्यक सुरक्षित रखने का भी मेरा कर्तव्य है और हम कर्तव्य को निभाएंगे, तभी आपके शिक्षा का सही मूल्य मूल्यांकन किया जा सकता है। एक बार मैं आपको अपने विधिक सेवा प्राधिकार के बारे में बता दूं। माननीय प्रिंसिपल साहब ने अभी कहा कि विधिक सेवा प्राधिकार, देखिए आप सोशल एम्बेसडर है, यू आर द फ्यूचर सेंसर ऑफ इंडिया एंड एम्बेसडर ऑफ द लीगल सोसाइटी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। कदमा डेवलपमेंट स्कूल के पास अब बरसों से ठेला लगाकर अपने परिवार का भरण पोषण करने वाला सामने अब रोजी रोटी की समस्या उत्पन्न हो गई है। अवैध होने के द्वारा उन्हें हटा दिया गया है। कदमा डेवलपमेंट स्कूल के पास छेने एवं गुमटियों को बीती शाम उजाड़ दिया गया। इनमें पान दुकान, जूस दुकान, चौमिन और डोसा के ठेले भी शामिल हैं। इन ठेले वालों का कहना है कि अब उनके सामने रोजी रोटी की समस्या उत्पन्न हो गई। हम लोग देखे ना, कमाते खाते हैं रोज, गरीब आदमी हम लोग, आदमी का उतना तनख्वाह है नहीं, छोटे छोटे बाल बच्चे हैं, हम लोग इडली बेचते हैं और लिट्टी लिट्टी का दुकान है, रोटी वाला और थाना दोनों मिल के। कितने सालों से कर रही है? 20-25 साल हो गया। क्यों पलटी कर दिया? अब पता नहीं, वही लोग ना जानेंगे क्यों। कितना उनकी मेरा पलटी हो गया, वो लिट्टी के दुकान करते थे, गरीब आदमी थे, उसी से चलाते थे, मेरा आदमी तो उतना करता नहीं है, तो कैसे मेरा पेट चलता था। कितना सालों से? 15 साल से कर रहे हैं। ईसाइयों के सबसे बड़े त्यौहार क्रिसमस के लिए बाजार सज धज कर तैयार है। तरह तरह की सजावट की सामग्री प्रमुख है। ईसाई समुदाय के लिए दिसंबर माह काफी महत्व वाला होता है। माह के अंत में क्रिसमस त्यौहार के लिए लोग माह भर पहले से ही तैयारियों में जुट जाते हैं। बाजारों में सेंटा क्लॉज से लेकर तरह तरह के ग्रीटिंग कार्ड व सजावट की सामग्री आ गई है। क्रिसमस ट्री भी आकर्षण का केंद्र है। क्रिसमस का बाजार काफी बढ़िया है। सेंटा का ड्रेस, कैप और बाकी क्रिसमस सारे स्टार डेकोरेशन वगैरह सारे आ रहे हैं। सारा कलेक्शन है, ग्रीटिंग्स का है, इसके अलावा न्यू ईयर कार्ड है, क्रिसमस का है, सारे डेकोरेशन आइटम है, पॉइंट है। आपके क्रिसमस का स्पेशल ये है, म्यूजिकल कार्ड्स वगैरह हैं और स्पेशल ट्री वगैरह आया हुआ है। कितने से कितने रुपये तक का है? कम से कम कितना? वही 800-1000 से लेके 2000 तक के रेंज में, रुपये से लेके 150-200। आरटीआई कार्यकर्ता संघ के बैनर तले दिनेश महतो ने जिला निर्वाचन पदाधिकारी से सूचना के अधिकार के तहत कुछ जानकारी मांगी। सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत पूछा कि मतदान कर्मियों को दिए जाने वाले भत्ते का निर्धारण करता है, इसके अलावा पीठासीन के मुकाबले मतदान कर्मी को कम पैसे क्यों दिए गए, इसकी भी जानकारी मांगी गई है। निर्वाचन पदाधिकारी को हम लोग जानकारी मांगे हैं कि 47 जुगसला सभा में मतदान कर्मियों को मतलब भत्ता में जो मतलब कटौती किया गया है, शहरी क्षेत्र में 2500 रुपया दिया गया है, ग्रामीण क्षेत्र में 2000 रुपया दिया गया है, पीठासीन पदाधिकारी 1600 रुपया दिया गया है, तो जो कि इतना सुदूर क्षेत्र में जाते हैं उन लोग के लिए दर कम है, लेकिन शहरी क्षेत्र में ज्यादा, इसका निर्धारित कौन करता है? और उन लोग जाने का भी पहले एक दिन
पहले उन लोग मतलब निर्वाचन क्षेत्र में गए थे, जाने का भी मतलब टाइम ज्यादा, लेकिन उन लोग को मानदेय देने में कम किया गया। जीआरडी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में अंतर स्कूल हैंडबॉल प्रतियोगिता का आरंभ हुआ। प्रतियोगिता में 20 से ज्यादा स्कूलों के बच्चे भाग ले रहे हैं। ये बच्चे जो आज 4 दिन तक पुलिस जुटे टेबल पर रिपोर्ट करें। पुलिस जुटे टेबल पर रिपोर्ट।